हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फाइनली जेईई मेंस का रिज़ल्ट जो है फेज़ टू और सेशन टू का रिज़ल्ट आ चुका है। जो भी स्टूडेंट बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है बिहार इंजीनियरिंग को एडमिशन को लेकर के वो मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि जो भी अपडेट मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट करूं आप सबों तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है जेईई मेंस का आज रिजल्ट आया है, ठीक है स्टूडेंट। जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, आपका परसेंटाइल यहां पे मैच होगा, ठीक है। इसी बेस पर आपकी रैंक बनेगी, ठीक है। जेईई मेंस का जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर आपको IIT, NIT, IIEST, IIIT और GIFTs मिलेगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का ये इंक्वायरी रहता है कि सर कितना परसेंटाइल पर हमको जेईई मेंस के जोसा के थ्रू, ठीक है, जेईई मेंस का जो काउंसलिंग करवाती है वो जोसा करवाती है, ठीक है, जोसा के थ्रू हमको कितना रैंक पे जो है या कितना परसेंटाइल पे हमको IIIT, NIT, GIFTs जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 94% के एवव है तभी आपको IIIT, NIT में एडमिशन जो है वो पॉसिबल है। OBC की बात करें तो 92 के प्लस रहना पड़ेगा, ठीक है। SC और ST की बात करें, ठीक है, SC और ST की बात करें तो आपको 85% के एवम है तभी आपका एडमिशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा जोसा के काउंसलिंग के थ्रू IIIT, NIT में, ठीक है। अगर आप इससे कम है इसका परसेंटाइल, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका देख सकते हैं इसका जो परसेंटाइल है वो 38% है। अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप क्या है कि स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे बिहार का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, आप कम रैंक में अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने रिजल्ट नहीं चेक किया है तो रिजल्ट जाके चेक कर ले, ठीक है। उसके बाद का क्या प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद का ये प्रोसेस है, ठीक है, कि अब क्या करना है, आपको एक फॉर्म का वेट करना है जिस फॉर्म का नाम है UGEAC, ठीक है। ये फॉर्म है, देख सकते हैं ये फॉर्म है, ठीक है, UGEAC फॉर्म है, UGEAC का फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है, उसके बाद जितने भी लोग बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म फिलअप करेंगे उसके आधार पर रैंक कार्ड आएगा, ठीक है। रैंक कार्ड आएगा, उसी रैंक कार्ड के बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। रैंक कार्ड पर दो रैंक लिखा रहेगा, एक अनरिजर्व रैंक रहेगा, एक कैटेगरी रैंक रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC हो गया, SC ST हो गया, उसके बाद EWS हो गया, ठीक है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका इसी बेस पे काउंसलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद एक बात मैं बता दूं, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में दो तरीकों से एडमिशन होता है। एक तो हो गया आपका जेईई मेंस के थ्रू, ठीक है, UGEAC का फॉर्म फिलअप करेंगे। दूसरा जो हो गया वो BCEC के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट, दूसरा जो हो गया आपका वो BCEC के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना जरूरी है, जेईई मेंस से पहले काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो सीट बचेगा उससे BCEC से काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो आपको जेईई मेंस से अगर कम परसेंटाइल भी है, ठीक है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि साइबर कैफे से ऑनलाइन काउंसलिंग कराने से बचें, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, ठीक है। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराते हैं तो जैसे क्या होता है कि बहुत से कॉलेज में सीट खाली रह जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि काउंसलिंग के बाद भी एडमिशन होता है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि अगर आपका कम रैंक है तो हमारे एक्सपर्ट की टीम आपकी वहाँ भी एडमिशन करवा सकती है। और रैंक बेस्ड जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइबर कैफे वालों को या बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि कौन से नंबर पर कौन सा कॉलेज रखना है, कौन सा ब्रांच हमें मिल सकता है, ठीक है। ये जो काउंसलिंग होती है ना वो रैंक बेस्ड काउंसलिंग होती है, ये सॉफ्टवेयर ट्रिक बेस्ड है, ठीक है। तो आपको रैंक बेस्ड काउंसलिंग जरूर करवाना है ताकि आपको मिनिमम लो परसेंटाइल पे भी अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ही फॉर्म आता है, कोई अपडेट आता है, आप सबों को वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।